हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्विंग ट्रेड। आज मैं बना रही हूँ गोटा पत्ती की बाजू। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने अपने कपड़े पे प्रेस करके निशान डाल लिए हैं, जिससे कि मेरा सेंटर और जितनी मुझे जहाँ तक मेरी लेंथ की लंबाई है वहाँ पे मैंने इस पर निशान बना लिया है प्रेस करके। ये देखिए, अब मैं इसको निशान से 6 इंच का एक और मेजर ले रही हूँ, 6 इंच का ऊपर की साइड। मुझे 6 इंच के अंदर अंदर अपना डिज़ाइन कम्प्लीट करना है, इसीलिए मैं 6 इंच का निशान लगा रही हूँ। 6 इंच ऊपर की साइड लगाया है और इन्हें निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लिए, और नीचे से भी 1 इंच ऊपर की तरफ मैं और निशान लगाऊंगी। ये देखिए, यानी मेरा जो डिज़ाइन है वो 5 इंच के अंदर अंदर बनेगा, लेकिन 1 इंच मुझे कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए जो बाद में मोड़ने के काम आएगा, फोल्ड करने के, इसलिए मैंने 6 इंच रखा है। ये मेरी मार्किंग हो गई है इसकी, जितनी मुझे डिज़ाइन बनाना है इसके अंदर की। अब जो मेरा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से मैंने 4 इंच का निशान 2 इंच इधर और 2 इंच इधर करके लगा लिया है, और 3.5 इंच ऊपर की तरफ। इसी तरह से मैं दोनों तरफ निशान लगाऊंगी। मुझे तीन इसमें हाफ सर्कल टाइप ये सेमी सर्कल जो है हाफ में 3 चाहिए, एक सेंटर में, एक इस साइड और एक इस साइड। जब ही मैंने रफली ड्रॉ किए हैं, जब इन्हें आप सिलाई करें तो अच्छे से ड्रॉ कर लें। ये देखिए, मुझे इस पर गोटा सबसे पहले नीचे जो मैंने मार्किंग किया वहाँ पे मुझे ये पतला वाला गोटा लगाना है, नीचे भी और ऊपर भी। सिलाई इसे मैं सिलाई मशीन से लगाऊंगी, आप चाहे सुई से लगा लें या सिलाई मशीन से। और जो मैंने हाफ सर्कल बनाया है इसमें मुझे ये चंपा लगानी है तीनों में। तो पहले मैं ये लगा लेती हूँ। मैंने मशीन से देखिए ऊपर भी लगा लिए, और ये मैंने जरी के धागे से लगाई है। ये देखिए, टोटल मेरा 6 इंच का ही है, उसी के अंदर मैंने इसे 3.5 से 4 इंच का अंदर अंदर मार्किंग जो ली है उसी तरह से ली है। इसके लिए मैंने एक कागज़ का एक कट कर लिया था, एक्सटेंशन कट कर लिया था, जिसे रख के मैंने ये बनाया है। ये देखिए, उसे मैंने पहले पिन से उसे रोक लिया है ताकि वो हिले नहीं, और उसके बाद चंपा साइड में मशीन से लगाई है। और ये मैंने जरी के से लगाई है ताकि इसमें सिलाई बिल्कुल दिखाई ना दे, पता ना चले। एक स्लाइस पे अंदर की तरफ और एक स्लाइस पे बाहर की तरफ। फ्रेंड्स, आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो आपकी कैसी लगी है, और नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हैं मुझे ये भी ज़रूर बताया करें। और प्लीज़ अगर कुछ गलती होती है तो वो भी मुझे सजेस्ट करा करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो गलती ना करूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अब मैंने तीनों लगा लिए, और उसके बाद मैंने ये पहले सर्कल बना लिए, उसके बाद मैंने इसे फ्रेम में करा है। फ्रेम में करने से रहता है आसानी से हो जाएगा, बिना फ्रेम के मुझे इतना ईजिली नहीं लगता, वैसे बिना फ्रेम के भी हो जाएगा। उसके बाद मैंने इस पर चौक से ड्रॉ किया है एक सीधी लाइन और दो साइड में। ये कारचोप की सुई है, मुझे इसी से काम करना है। नॉर्मल ये मोती सुई से भी लग जाते हैं, अगर आपको कारचोप की सुई से या जरदोजी की सुई भी बोलते हैं इससे नहीं करना आता, तो आप नॉर्मली सुई से भी लगा सकते हैं मोती। ये फैब्रिक ग्लू है जो आपको आसानी से मिल जाएगा, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और सबसे पहले मैंने इस पर गोटे के फूल लगाए हैं एंड पॉइंट पे, और अब मैं छोटी छोटी पत्तियां लगाऊंगी।
ये मैं अभी इस फैब्रिक ग्लू से लगा रही हूँ, लेकिन मैं इन्हें बाद में सुई से अच्छे तरह से पक्का करूँगी मज़बूत, ताकि ये निकले नहीं। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये भी मैंने जरी के धागे से ही करा है। ये मैं अभी इन्हें पक्का कर रही हूँ गोटे के फूल को, सिर्फ जो पत्तियाँ हैं मैं इन्हें पक्का नहीं कर रही हूँ, सिर्फ गोटे के फूल को पक्का कर रही हूँ। इन्हें अच्छे से सबको पहले पक्का कर लेना है मज़बूत, उसके बाद मैं आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरे गोटे के फूल मज़बूत हो गए और मैंने पत्तियों के चारों तरफ भी जो है मोती लगा लिए हैं। मैं आपको बताती हूँ, मोती ये मैंने पोत लिए हैं, पोत इन्हें पोत भी कहते हैं, बारीक गोल मोती भी कहते हैं। इनकी खास बात ये होती है धुलने के बाद ख़राब भी नहीं होते, इन पर कोई पॉलिश नहीं उतरती, किसी तरह से ख़राब नहीं होते। मैंने इनको पत्तियों के चारों तरफ लगाया है आउटलाइन के साथ, और अब मैं इसे पत्तियों को पक्का कर रही हूँ जरदोजी के धागे से, जरदोजी की सुई से और जरी से। फ्रेंड्स, अगर आपको जरदोजी की सुई या आरी चलानी नहीं आती है तो आप ये सुई से भी कर सकते हैं। और इसी के साथ मेरा डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से मैंने सब हर एक पत्ती के ऊपर चारों तरफ से मैंने इसी तरह से लाइन बनाई है, और देखिए मेरा डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।